दिल्ली विधानसभा के दो दिन के सत्र की शुरुआत आज हंगामेदार रही। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा हुआ। ये हंगामा तब हुआ जब बीजेपी के विधायकों को मार्शल ने आउट कर दिया। दिल्ली विधानसभा में सत्र के पहले दिन ही काफी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आए, विपक्षी विधायक भी गए। मुद्दा क्या था और कई जो विपक्षी विधायक हैं उनको मार्शल आउट भी किया गया और फिर बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, बीजेपी विधायक। वीरेंद्र जी, हुआ क्या था, क्या मुद्दा था? देखिए, एक तो सदन में विपक्ष के लिए 20 मिनट की बात कहना एक तरह से दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के अधिकारों का हनन है। उनको चर्चा में भाग ना लेने देना, फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का जो नोटिस दिया था अभय वर्मा जी ने, उसके बारे में जिसमें बसों के घोटाले के ऊपर मंत्री का जो बयान था सदन में वो गुमराह करने वाला था, उसको उसके बारे में रूलिंग देना कि इसको फाड़ के फेंक दो, रद्दी की टोकरी में डाल दो, इस तरह का एरोगेंस। और तीसरा, जो स्कूल और कॉलेजेस को लेकर के जो एक भी स्कूल और कॉलेज दिल्ली में नहीं खोला इस सरकार ने, उस पर जो शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा होनी थी और विपक्ष ने उसको लगाया था, उसको LOB से हटा देना। और चौथा जो है, विपक्ष के को पूरी तरह से एक तरह से क्रश करना। ये तमाम बातें जो हैं इसको लेकर के आज हम सदन में जो है विपक्ष बोलना चाहता था, लेकिन बजाय उसको बात करने का मौका देने के, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डिसाइड करने के, यहाँ तक कि बसों के घोटाले के मामले में सरकार जो है बचना चाहती है, भाग रही है चर्चा से। स्पीकर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है संविधान का गला घोट रही है, दिल्ली विधानसभा के सारे अधिकार छीन लिए। विपक्ष कभी हमारे पास नहीं आया कि चलिए हम लोग अधिकार के लड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनको से ध्यान हटाने के लिए ये सत्तारूढ़ दल की एक साजिश है। और सवाल ये है कि जब स्कूल और कॉलेजेस दिल्ली में नहीं खुल रहे, दिल्ली में जलभराव हो रहा है, इस पर अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, PWD की खामियों को गिनाना चाहता है, तो विपक्ष का गला घोटा जाता है। विपक्ष को 5 सदस्य विपक्ष के मार्शल आउट कर दिए गए। किस वजह से किए ये बात समझ से परे है। पहले अधिकारों का हनन करो और फिर अगर आवाज़ उठाओ तो उनको सदन से बाहर कर दिया जाए। तो ये रूलिंग पार्टी जो कर रही है ये डेमोक्रेसी नहीं है। और दिल्ली में मैं यही कहूँगा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का पूरी तरह हनन हो रहा है और उनका उनको कुचला जा रहा है। ठीक है, तो वीरेंद्र गुप्ता जी, इनको भी सदन से मार्शल आउट किया गया और वो कह रहे हैं कि संविधान में जो है लोकतांत्रिक परंपराओं का गला घोटा जा रहा है। और उधर स्पीकर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार संविधान का गला घोट रही है। तो तमाम तरह के सवाल जो अधिकार हैं संविधान में दिए गए उसको लेकर भी विधानसभा में हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से कैमरा मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।